Hello students, today we are going to discuss our next topic in the stars and solar system. तो आज हमने नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं स्टार्स और सोलर सिस्टम में, जो कि होगा योर प्लैनेट्स. ओके, पिछली बार हम लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार के बारे में स्टडी की थी, जो कि हमारा सन है, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम जिसके ऊपर चलता है पूरा का पूरा. उसमें हम लोगों ने सन के बारे में स्टडी किया है बेसिकली, और उसके ऊपर आप लोगों ने शॉर्ट नोट भी लिखा था. लेकिन लेट अस टेक अ ब्रीफ प्रीव्यू ऑन द प्रीवियस लेक्चर्स, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज हो जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड द स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में यूनिवर्स क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट्स डेफिनेशंस. ओके, देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, देन वी हैव डिस्कस द सोलर सिस्टम, एंड ऑल्सो वी हैव रिमेंबर द नेम्स ऑफ द सोलर सिस्टम बाई देयर सिक्वेंसिस. ओके, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस व्हाट इज द गैलेक्सीज, एंड देन वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज एंड विच गैलेक्सी वी आर लिविंग इन द करंट. सो दैट टाइप्स ऑफ डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ऑल्सो वी हैव डिस्कस व्हाट इज द लाइट ईयर, व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड व्हाट इज द लाइट ईयर दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट और फ्रॉम द सन टू द अदर प्लैनेट्स. ओके, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर द टू प्लैनेट्स डिस्टेंसेज. ओके, देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज द सन्स, एंड वी हैव डिस्कस द शॉर्ट नोट ऑन द सन. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द स्टार्स. ओके, also we have studied the different types of stars, and then we have discussed the stars will be aged from blue to the red zone, and then it convert to the black, and then we have discussed the how its age will be provided to its color. Okay, then we have discussed the planets, different types of planet, and then we remember the name of the planets by these sequence. Okay, then we have discussed the how can we remember that 8 planets in our memories. So for that we have discussed the we have to memorized in the 3-3 planets a sequence. Okay, so that we have discussed the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and Uranus, Neptune. You can also remember the Pluto, but now government has not considered him as a planet, so that is why we have removed from the our planet list. So basically planet jo hote wo generally kya hote hai, so basically a planet is made up of a rock and metal or a gas. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट के पास अपने खुद की लाइट नहीं होती है. ये सनलाइट की जो लाइट आती है उसका इस्तेमाल एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए करते हैं, सारे चीज़ों के लिए करते हैं. ओके, उसके पास अपनी खुद की कोई लाइट होती नहीं, जबकि स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है. जो कोई एनर्जी होती है वो उसको क्या करता है, वहाँ से ट्रांसफर कर सकता है. ओके, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो इस पर दो टाइप की प्रोसेस आती है, एक तो रोटेशन और दूसरी जो आती है वो है रिवोल्यूशन. सो वॉट इज द रोटेशन, रोटेशन यानी कि वो सन के अराउंड घूमता है उसको हम रोटेशन कहेंगे, और रिवोल्यूशन यानी कि वो खुद भी अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता है, इसको हम जनरली रिवोल्यूशन कहेंगे. तो सारे जो प्लैनेट्स है वो हम लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि भाई सन के अराउंड रोटेशन तो करते ही रहते, साथ साथ में वो खुद का भी रिवोल्यूशन करते रहते, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो घूमते घूमते सन के अराउंड जो है वो घूमती है. पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डे और नाइट जो होते हैं वो किस तरह से होते. देन ऑल्सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस कि भाई हर 4 मिनट हमारा जल्दी टाइम खत्म हो जाता है, इसी वजह से 29 फरवरी हर 4 साल में एक बार आ जाती है. ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलरेडी वी हैव टेकन द ईयर एज अ 365 डे, बट इट इज जनरली 365 डेज एंड 6 आवर्स टाइम टू टेक द 1 ईयर ऑन रोटेशन अराउंड द सन ऑफ द अर्थ. ओके, अर्थ रोटेशन अराउंड द सन. तो ये हम लोगों ने एक बात की थी कि अर्थ का रोटेशन के टाइम लगता है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है जनरली, और इसी वजह से 4 साल में 24 आवर्स बढ़ जाते हैं, इसी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. अ डे फॉर अ प्लैनेट इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाय इट टू कम्प्लीट 1 रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ये हमको पता है. एंड ईयर ऑफ द फॉर अ प्लैनेट इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाई टू कम्प्लीट द 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ओके, ये सारी चीज़ें हमको पता है. देर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द कम्पोजिशन एंड साइंस. और जनरली 2 टाइप्स की कैटेगरीज में हम लोग प्लैनेट को डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है वो स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो कि है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. ओके, जनरली मार्स की ऑर्बिट के पहले जो भी प्लैनेट आते हैं उसको हम लोग किसमें कंसिडर कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या तो फिर स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स के अंदर एडेड कर सकते हैं. ओके,
मार्स के पहले जो भी प्लैनेट है, यानी कि मार्स की ऑर्बिट के पहले जो भी प्लैनेट्स आते हैं, उसको हम जनरली किसमें कैटेगराइज कर सकते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। और बाकी के सारे जो पीछे के प्लैनेट्स है वो क्या है? हमारे जोवियन प्लैनेट्स है, जो है कि मार्स की जो जो है ऑर्बिट के पीछे है, यानी कि उसके बाद में आते हैं। वैसे सारे प्लैनेट्स को हम किसमें करना इंक्लूड कर सकते हैं? जो कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली स्मॉल प्लैनेट जो होते हैं वो बहुत ही दे है वह सॉलिड एंड रॉकी सरफेस होती है उसके अंदर, जबकि जोवियन प्लैनेट्स है उसके वो उसकी साइज जो है वो बहुत ही बड़ी होती है, और जनरली वो जो है वो गैसेस वहाँ पर बहुत होते हैं। तो जनरली ऐसे जो प्लैनेट्स है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि सारे मार्स के बाद वाले जो हम लोगों ने सीक्वेंस अगर आप लोगों ने याद रखा होगा तो आप जनरली तुरंत ही याद रख सकते हैं कि मार्स के पहले, यानी कि मार्स को भी इंक्लूड कर देना है तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चार प्लैनेट आएंगे वो टेरेस्ट्रियल में इंक्लूड होंगे। एंड देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है वो किसमें कंसिडर होगा? वो होंगे जोवियन प्लैनेट्स के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है जोवियन प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का। ओके, आप लोग ये लिख सकते हो। उसके बाद है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, वो भी सेम ही है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, और जोवियन प्लैनेट्स है उसको हम लोग आउटर प्लैनेट्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ये सारे प्लैनेट्स है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। इसमें सन भी दिया गया है लेकिन सन प्लैनेट नहीं है। ऊपर भले ही लिखा हो प्लैनेट्स लेकिन ये प्लैनेट नहीं है, ये स्टार है, इसको हम स्टार में ही कंसिडर करेंगे। ये सिर्फ फिगर में आपको सारे की सारी सोलर सिस्टम दी गई है, ना कि ये सन है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि सन तो स्टार है तो फिर इसमें क्या कर रहा है, लेकिन ये सोलर सिस्टम का फिगर है, इस पर सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, देखो मून भी है तो मून भी थोड़ी स्टार है, मून तो हमारा सैटेलाइट है, वो तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है एज वी ऑलरेडी नो इट। ओके, कि भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट्स दो होते हैं। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस है कि भाई किस तरह से प्लैनेट्स है वो सारे के सारे जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे यहाँ पर देखो हमारा अर्थ जो है वो कितना स्मॉल दिख रहा है जुपिटर के रेफरेंस में। जुपिटर जो है हमसे बहुत ही बड़ा है। सबसे पहला मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और यहाँ पर देखो प्लूटो है। मैंने बोला था ना कि प्लूटो है, पर देखो बहुत ही छोटा है, इस वजह से उसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, ये है हमारा रिवोल्यूशन और ये हमारा रोटेशन। मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि व्हाट इज द रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज द रोटेशन, तो ये सारी चीजें आपको पता है। अब सबसे पहला जो प्लैनेट है यानी कि हमारा मर्क्यूरी, उसके बारे में बात करते हैं। मर्क्यूरी, आज सारे प्लैनेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हम जो स्टडी करेंगे वो होगी सारी प्लैनेट्स के बारे में, और सारे प्लैनेट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। ओके, ये पांच पांच पॉइंट आपको सारे प्लैनेट्स में लिखने हैं। सारे पॉइंट्स ना लिखो तो चलेगा, लेकिन यू हैव टू राइट द फाइव इंडिविजुअल पॉइंट्स फॉर द ईच एंड एवरी प्लैनेट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट। आप लोग ये सारे के सारे प्लैनेट्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो। जब आपको सीक्वेंस याद होगा तो आप इजीली याद रख सकते हो कि भाई पहला प्लैनेट है वो कौन सा है, मर्क्यूरी। तो जब ये मर्क्यूरी की शॉर्ट नोट स्टार्ट करो, यू हैव टू राइट द फर्स्ट पॉइंट एज द मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ द सन। अगर सेकेंड प्लैनेट के बारे में लिख रहे हो, मर्क्यूरी, वीनस के बारे में लिख रहे हो, तो वीनस में आप लिखो कि वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट ऑफ द सन। अर्थ के बारे में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। ओके, सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में पहला पॉइंट हमेशा कॉमन रहेगा। अगर आप लोग अपने आप भी लिखोगे ओन वर्ड्स के अंदर तो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो पहला पॉइंट जो है यू कैन राइट ईजीली। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि भाई वो जो प्लैनेट है उसकी साइज कितनी है। सिंपली आपको ऐसा लिखना है कि साइज कितनी है। तो मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। इट टेक्स अबाउट 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो इसको रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 88 डेज का ही टाइम लगता है। 88 डेज के अंदर ये सन के अराउंड रोटेशन खत्म कर देता है। मर्क्यूरी जो है वो कैसा प्लैनेट है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये मार्स की ऑर्बिट के पहले आ जाता है, इसी वजह से मर्क्यूरी जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ओके, इसको लॉट्स ऑफ क्रेटर्स लाइक द मून, इसके अंदर बहुत ही गड्ढे हैं मून के जैसे। मर्क्यूरी के पास खुद का मून नहीं है।
ये सबसे ज्यादा हॉट होता है डे के दौरान और सबसे ज्यादा कोल्ड होता है नाइट के दौरान। इसका जो टेम्परेचर है वो नाइट के अंदर होता है -173 डिग्री और डे के दौरान होता है 427 डिग्री सेल्सियस। सोच लो आपकी अगर हमारे यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाता है तो भी हमारा जो है वो पसीना निकल जाता है। तो वहाँ पर तो 427 डिग्री जितना टेम्परेचर सुबह में चला जाता है एंड रात में -173 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर आ जाता है। मर्क्यूरी शोज द फेजिस लाइक द मून। मर्क्यूरी अपने जो फेजिस है वो मून के जैसे दिखाता है। जब ये मून के फेजिस के बारे में बात करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे कि कौन से फेजिस की बात हो रही है। जनरली हम लोग जो देखते हैं नो मून या फुल मून, वो उसके बीच के जो फेजिस होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। हम लोग जनरली कहते हैं ना कि आज नो मून है, आज फुल मून है, और उसके हिसाब से हम लोग पूनम मनाते हैं, अमास मनाते हैं, इसी उसी के ऊपर बेसिस है इसके सारे फेजिस। तो वैसे ही सेम फेजिस पे काम करता है मर्क्यूरी भी। फिर से एक बार 5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, यू हैव टू राइट द फर्स्ट प्लैनेट। सेकेंड, इट इज द साइज एंड व्हाट इज द साइज, दैट इज द स्मॉलेस्ट साइज इन द सोलर सिस्टम। थर्ड पॉइंट, यू कैन राइट दैट इट हैज द नो मून, इसके पास अपने कोई मून नहीं है। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो दैट मर्क्यूरी इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये सारे प्लैनेट्स के अंदर आप लिख सकते हो कि ये टेरेस्ट्रियल है या जोवियन है, ये टेरेस्ट्रियल है या जोवियन है, ये टेरेस्ट्रियल है या जोवियन है। यू कैन राइट इट इजिली। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि डे के दौरान ये बहुत ही हॉट होता है, नाइट के दौरान ये बहुत ही कोल्ड होता है। ऑल्सो यू कैन राइट द डेज टेम्परेचर विल बी द 427 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्स टेम्परेचर विल बी द -173 डिग्री सेल्सियस। सो इट वेरीज वेरी हाईली फ्रॉम माइनस टू प्लस। सो दिस इज इट मर्क्यूरीज शॉर्ट नोट। मर्क्यूरी का फोटोग्राफ आपको स्लाइड पे दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर। जनरली इसका डायमीटर, इसमें से कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। उसके बाद बात करते हैं वीनस के बारे में। तो जनरली वीनस की फिगर आप लोग देख सकते हो कि रोमन गॉडेस ऑफ लव के बारे, लव एंड ब्यूटी के ऊपर से इसका नाम रखा गया है वीनस। जनरली जो है वो 225 डेज में ये जो है वो रिवोल्यूशन ख़त्म कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर फिगर जो है वो। अब मर्क्यूरी के बारे में, सॉरी वीनस के बारे में बात करते थे। मैंने बोला है आपको पॉइंट पहला क्या लिखना है, वीनस इज द सेकेंड प्लानट, इसके इसके पास भी कोई मून नहीं है। इट हैज़ द नो मून्स, इट टेक्स द वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन द 225 डेज। इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो अभी अभी मैंने बोला, इट इज़ द 225 डेज टू कम्प्लीट द वन रेवोल्यूशन। ये भी कौन कैसा प्लानट है, टेरेस्ट्रियल प्लानट्स है। अब बात करते हैं, 3 पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी इसमें भी आ गए होंगे। फर्स्ट इट इज द सेकेंड प्लानट, थर्ड इट हैज द नो मून, थर्ड पॉइंट इज द टेरेस्ट्रियल प्लानट। ऑल्सो यू कैन राइट द फोर्थ पॉइंट एज द इट इज द इट टेक्स द वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन द 225 डेज। अब बात करते हैं थोड़े से दूसरे पॉइंट्स के बारे में जिसमें से आप कोई भी पॉइंट याद रख सकते हो। तो वीनस जो है वो रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट में। जनरली इट इज द ओपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट में लेकर ये घूमता है। एक और भी प्लानट है जो पीछे आएगा सोलर सिस्टम के अंदर, जो भी क्या करता है ईस्ट टू वेस्ट के अंदर क्या करता है, रोटेशन करते रहता है। और ईस्ट टू वेस्ट में रोटेशन करने के साथ साथ रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। इट इज ऑल्सो इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शाइनिंग प्लानट, ये जो है वो बहुत ही शाइनिंग प्लानट है। वीनस जो है वो शाइनीस्ट प्लानट है। तो आप लोग ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको कई बार आप लोग टेलीस्कोप से देख सकते हो कि वो बहुत ही ब्राइट है, इस वजह से शायद दिख भी जाए हम लोगों को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बिकॉज इट इज यूजली विजिबल ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जा सकता है क्योंकि हम लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग के बीच के टाइम में, ये मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में ही ये दिखता है इस वजह से। इसका जो टेम्परेचर है वो है 462 डिग्री सेल्सियस डे के दौरान। नाइट के दौरान हम लोगों को टेम्परेचर नहीं दिया गया, बट नाइट के दौरान भी इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जनरली अराउंड द 100 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस जितना हो जाता है। नाइट के माइनस में बात कर रहा हूँ, तो -100 डिग्री या तो फिर -70 डिग्री जितना हो जाता है इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो नाइट के दौरान। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, टेम्परेचर का पॉइंट भी याद रख सकते हो। सारी चीज़ें जो है वो भी इजी है। यहाँ पर फिर से फिगर दी गई है वीनस के बारे में, दूसरी फिगर है आप लोग देख सकते हो। जनरली इसमें से भी अगर आपको कुछ भी चीज़ें याद रहती है दैट यू कैन याद मेमोराइज इजीली।
अब बात करते हैं अर्थ के बारे में, तो जनरली जो हमारा अर्थ है वो क्या है, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो ये भी हम लोगों को पता है ऑलरेडी। ओके सो यू कैन मेमोराइज दैट द फर्स्ट पॉइंट विल बी द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज ओनली द प्लैनेट दैट सपोर्ट्स द लाइफ इन अवर सोलर सिस्टम। हमको पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर ये एक ही प्लैनेट है जो क्या करता है, सपोर्ट्स करता है लाइफ सिस्टम को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जिंदा है, एनिमल बींग्स यहाँ पर है, एक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पर है, प्लांट्स भी यहाँ पर है, तो सारी जो लिविंग बींग्स है वो यहाँ पर है। इसी वजह से ये जो है वो इट इज़ द ओनली प्लैनेट, हम लोगों को अभी यही लगता है कि हम लोग है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है 99.99% है कि हमारे सिवा इस यूनिवर्स में कोई नहीं है, बट देर विल बी मोर चांसेस फॉर 0.01% दैट देर विल बी अनदर लाइफ लाइफ बींग और समथिंग लिविंग विल बी अकर कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड दिस यूनिवर्स। ओके सो इट टेक्स द 365 डेज एंड द 6 आवर। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि रिवोल्यूशन के लिए ये कितना टाइम लेता है, 365 डेज और 6 आवर्स इतना टाइम लेता है। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट, जनरली ये भी 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स का टाइम है। अर्थ इज द नो मून, इसके अर्थ इज द वन मून, दैट इज हमारा जो ये चंदा मामा हम लोग कहते हैं वो हमारे पास एक मून है नेचुरली। ओके इसका जो टेम्परेचर है वो है -87 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। अभी तक का जो सबसे नॉर्मल टेम्परेचर है वो हम लोग अगर नॉर्थ पोल के ऊपर जाए तो मेजर करें नाइट के दौरान, तो वो -87 डिग्री सेल्सियस तक हमको मिलेगा, और डे के दौरान, द स्कैन इज कंप्लीटेड, डे के दौरान जो हम लोगों का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है हमारा 57 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। ऑल्सो वी कैन एड एट इट इज द टेरेस्ट्रियल प्लानट, इसके हमारे अर्थ के प्लैनेट के पास 71% जो है वो वाटर है, 29% हमारे पास अर्थ का क्रस्ट है, तो 29% के ऊपर हम लोग जो है वो जिंदा है। हाउ द लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, ओके तो जनरली लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। इसके में से आप लोगों को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जनरली यू हैव टू राइट जस्ट अ शॉर्ट नोट ऑन द अर्थ प्लैनेट, ओके अर्थ एज अ प्लैनेट, सो ये यहाँ पर से ही आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। ये तो लाइफ हमारी किस तरह से इस पर पॉसिबल है इसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। द अर्थ हैज द एटमोसफेयर विच इंक्लूड्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा, तो वो हमको अर्थ की प्लैनेट्स पे से मिलते हैं, इस वजह से हमारी लाइफ जो है पॉसिबल है। यहाँ पर ज़्यादा पानी मिल जाता है, वो पानी जो है वो हम लोगों को जिंदा रखने के लिए हेल्पफुल है। ऑल्सो टेम्परेचर जो है वो सूटेबल रेंज के अंदर है, तो वो भी हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर जिंदा है। अगर टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है तो भी जिंदा नहीं रह सकते, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। जनरली ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है हमारे पृथ्वी के ऊपर, उस वजह से शायद फ्यूचर में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, इस वजह से हमको अभी से सीरियस हो जाना पड़ेगा ताकि क्या कर सके, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। अर्थ के पास जो है, अर्थ इज एक्सिस नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इट्स ऑर्बिट, इसकी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो है वो 23.5 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पड़ी हुई है, इस वजह से ये जो है वो थोड़ी सी क्रॉस के अंदर रोटेशन करती है और रोटेशन करते करते रिवोल्यूशन करती है। ओके वेन द अर्थ, तो ये इसी सारी वजह है, ये जो है सारी जो रीजन्स दिए गए कि इसी वजह से जो है वो लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। ओके जनरली ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे तो भी क्या होएगा, आपको याद समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर मिलता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही सूटेबल है, इसके पास प्रोटेक्शन लेयर है ओजोन से बचने का। ओके हमारे पास एटमोसफेयर के अंदर ओजोन से बचने का, ओजोन का लेयर है, अल्ट्रावायोलेट रेज से बचने का, जो सन से डायरेक्ट आते हैं उसमें अल्ट्रावायोलेट रेज होते हैं जो हम लोगों को स्किन कैंसर या तो डिजीज कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए ओजोन लेयर ऑलरेडी हम लोगों के पास है। रोटेशन और रिवोल्यूशन हम लोगों को ऑलरेडी पता है। मास के बारे में बात करते हैं तो जनरली मास की फिगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिख सकते हो, अर्थ की फिगर मैंने दिखाई नहीं है, जनरली यहाँ पर देख सकते हो और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा ड्रॉ भी किया है। मार्स के बारे में बात करते हैं तो मार्स यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जनरली इट इज़ द रेडिश प्लैनेट, तो ये पहला पॉइंट क्या होगा कि मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट टेक्स अराउंड 687 डेज टू द रिवोल्यूट अराउंड द सन। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट है। ओके इसके पास 2 मून है, हमारे पास जैसे 1 मून है वैसे मार्स के पास कितने मून है, 2 मून है, एक है उसको हम फोबोस कहेंगे, दूसरा है उसको डेमोस कहेंगे। ओके फिर से बात कर रहे हैं, 2 मून है किसके पास, मार्स के पास 2 मून है, उसमें से एक है वो है उसका नाम फोबोस है, दूसरे का नाम है डेमोस। जैसे हमारे पास हमारा जो मून है
इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट। वैसे ही सेम मार्स के पास भी दो खुद के मून्स है जो है फोबोस और डेमोन। ये बहुत ही स्मॉल साइज प्लानट है, हाफ इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अगर प्लानट का आधा डायमीटर लेके फिर ड्रॉ करने बैठे तो जितना सर्कल ड्रॉ होगा उतना ही है मार्स प्लानट। ओके, ये भी टेरेस्ट्रियल प्लानट है, ये जो है जनरली रॉकी डस्टी और ड्राई है। मार्स के पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो 240 डिग्री, -240 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है। 680 डेज लगते हैं इसको रोटेशन रिवॉल्यूशन करने के लिए सन के अराउंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो। इसमें से भी 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कोई भी 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन पहला पॉइंट तो मुझे पता है आप लोग सब कॉमन ही लिखोगे, ये कौन से नंबर का प्लानट है। ओके, जुपिटर। इट इज द फिफ्थ प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम, इट इज द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज विच प्लानट इज द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, तो यू कैन राइट द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम। ऑल्सो द 1 मार्क क्वेश्चन विल बी एट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, दैट यू कैन राइट द आंसर द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी जो है सबसे स्मॉल है, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। जुपिटर के पास अपने खुद के 63 मून्स है, सोच लो कितना बड़ा होगा। हमारे पास एक है, मार्स के पास दो है, वैसे है जुपिटर के पास 63 तो खुद के मून्स है और वो उसके साथ लेके के घूमता है, सोचो तो वो कितना बड़ा होगा। जुपिटर के पास जो 63 मून्स है उसमें से हम लोग 4 मून्स के बारे में बात करते हैं, तो 4 के नाम है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। 4 लार्जेस्ट मून्स आर कॉल्ड लो, यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेड। ओके, तो ये सारे जो है उसके जाने माने जो है मून्स है जो इसका नाम हम लोगों ने अभी जाने हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स है जो मून से, सारे के सारे मून्स के उसके पास नाम है, लेकिन हम लोगों की सिर्फ याददाश्त अच्छी है इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ इतने ही याद रखे हैं। ओके, इसका जो टेम्परेचर है, सॉरी, ये जो है इसको रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 12 ईयर्स जितना टाइम लगता है, यानी कि 4,331 डेज लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। ओके, एक दिन में जो ये रोटेशन कर लेता है वो कितने कितने में कर लेता है, तो 9 घंटे में कर लेता है। खुद की रोटेशन जो है वो फटाफट से खत्म कर देता है। इट रोटेस्ट फास्टेस्ट अमोंग द ऑल प्लैनेट्स, यानी कि इसका रोटेशन टाइम पीरियड है वो बहुत ही फास्ट है। ओके, तो इतना पॉइंट्स याद रख सकते हो, इसमें से भी 5 पॉइंट लिखना है। जुपिटर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट्स दिए गए। दूसरी फिगर में आप लोग देख सकते हो कि अर्थ कंपेरिजन में कितनी छोटी लग रही है, देख लो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, अर्थ जो है वो बहुत ही छोटी लग रही है इन कंपेरिजन टू द जुपिटर। ओके, सैटर्न के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम। ओके, इसके पास कलरफुल रिंग्स है, इसकी वजह से ये जो है वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। सैटर्न जो है वो 6 नंबर का प्लानट है। सैटर्न जो है वो सेकेंड बिगेस्ट प्लानट है अवर सोलर सिस्टम। ओके, जुपिटर के बाद सेकेंड बिगेस्ट प्लानट कौन है, सैटर्न है। सैटर्न के पास खुद के 31 मून्स हैं। इसके पास जो सबसे बड़ा मून है वो उसका नाम टाइटन है। ओके, तो ये जो है वो आप पॉइंट्स याद रख सकते हो। ओके, इसके जो रिवॉल्यूशन का टाइम लगता है वो लगता है 29 अर्थ ईयर्स, यानी कि हमारे जब 29 साल खत्म होंगे तब जाकर ये एक रिवॉल्यूशन खत्म करेगा। ओके, इसका जो टेम्परेचर है वो है -178 डिग्री सेल्सियस रात के अंदर, और दिन के अंदर बहुत ही कम हो जाता है, दिन के अंदर भी बहुत ही कम ही होता है क्योंकि सन से बहुत दूर है, इसके लिए उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ता नहीं है टेम्परेचर का। ओके, तो ये है हमारा सैटर्न प्लानट, बहुत ही बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल प्लानट है। इसकी जो रिंग्स है इसकी वजह से सबसे अच्छा प्लानट लगता है सोलर सिस्टम के अंदर। देखो इसकी जो रिंग्स है वो आप देखो स्क्रीन के ऊपर, एकदम से कलरफुल रिंग्स बैंड्स दी गई है इसमें, देखो। ओके, अच्छे से आप लोग रख सकते हो, पॉज करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें। यूरेनस जो है वो 7th प्लानट है। यूरेनस जो है सेकेंड कोल्डेस्ट प्लानट है। यूरेनस के पास जो है वो 27 मून्स है, जिसमें से सबसे बड़े है उसके नाम है टाइटेनिया और ओबरेन। ओके, तो इसको भी याद रख सकते हो, ये जो है वो मीडियम साइज प्लानट है सोलर सिस्टम के अंदर। इसका जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन करने का, यानी कि सन के अराउंड घूमने का, वो है 84 ईयर्स, यानी कि हमारे जब 84 ईयर्स होंगे
तब जाकर वो अपना एक रेवोल्यूशन खत्म करेगा। टेम्परेचर जो है वो 260 डिग्री सेल्सियस है इसका। इसके पास भी सैटर्न की जैसे रिंग्स है देखो यहाँ पर ये रिंग्स है वो सैटर्न की जितनी ब्यूटीफुल नहीं, क्योंकि सैटर्न की रिंग तो कलरफुल यहाँ पर दिख रही है हम लोगों को। यहाँ पर यूरेनस के पास भी रिंग्स है लेकिन वो बहुत अच्छे से दिख नहीं रही है। अराउंड अबाउट 13 रिंग्स जो है वो यूरेनस के पास है, यहाँ पर है देखो, हैज़ द 13 रिंग्स अराउंड इट। अराउंड 13 रिंग्स जो है वो यूरेनस के पास मौजूद है। नेपच्यून के बारे में बात करते हैं, नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है। नेपच्यून हैज़ द 4 रिंग्स, वो दिखती नहीं है लेकिन है 4 रिंग्स उसके पास, गैसेस फॉर्म में होगी तो इस वजह से वो दिखती नहीं है। नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है, इसके पास 13 मून है और जो सबसे बड़ा है उसका नाम है ट्रिटॉन। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतने लिख सकते हो कि इट हैज़ द एटलीस्ट 13 मून्स। इसको जो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो कितना लगता है, 16 अर्थ आवर्स जितना रिवोल्यूशन टाइम जो लगता है वो लगता है 165 ईयर्स। तो यानी कि हमारे जब 165 ईयर्स होंगे तब जाकर ये सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। देखो ये है हमारा नेपच्यून। देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया है एकदम से। 3 प्लैनेट्स जो पीछे गए वो सबसे हम लोगों को सुंदर दिखते हैं। जनरली सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सारी चीज़ें आप लोग रीड भी कर सकते हो पॉज करके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बुक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करवाया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मून के बारे में, मून के फेजेस के बारे में और मीटियोर और मीटियोराइट्स के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू हैव टू राइट 8 प्लैनेट्स अ शॉर्ट नोट। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा पर वो करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को सारे प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है इस वजह से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। Till then, bye bye everyone.